धीरेन्द्र शास्त्री वो नाम है दोस्तों, जो आप हर रोज एक ना एक बार जरूर सुनते होंगे। बाबा के चमत्कार की देश भर में चर्चा है, उनके भक्त हर जगह हैं। जहां वो जाते हैं वहां भक्तों की भीड़ उमड़ आती है। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अपनी सभाओं में लोगों के नाम की पर्ची निकालते हैं और उनके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में एक एक बात खोल कर रख देते हैं। अब शास्त्री जी ने सत्ता के पर्चे खोल दिए हैं दोस्तों। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया कि किसकी बनेगी साल 2024 में सरकार। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कई लोग उन्हें पाखंडी कहते हैं, कुछ लोग उनके इस काम को धार्मिक शक्ति का नाम देते हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले यह कहकर सुर्खियां बटोरी थी कि उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे का उन्हें पहले ही अंदेशा हो चुका था, जिसके बाद उनसे सवाल किया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। बाबा का जवाब सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया। क्या कहा बाबा बागेश्वर ने और कौन जीतेगा 2024 का चुनाव, चलिए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बागेश्वर धाम बाबा के यहाँ आम क्या खास, सभी लोग बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से अपने भविष्य को दिखाना चाहते हैं और अपने काम में तरक्की का आशीर्वाद लेते हैं। बड़े बड़े नेता और फिल्म जगत के दिग्गज हस्तियां भी बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगा चुके हैं। कौन है बागेश्वर धाम और कैसे लगती है अर्जी, चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का डेरा है। बाबा हनुमान जी के परम भक्त हैं और हनुमान जी के आशीर्वाद से बाबा बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी देश भर में प्रसिद्ध हैं। बाबा की भक्ति ऐसी है कि सिर्फ उनके दर्शन भर से ही भक्तों को शांति और आशीर्वाद मिल जाता है। दरबार में आने वाले हर भक्त को अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए दरबार में अर्जी लगानी पड़ती है। धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी उन पर्चियों में से ही कोई पर्ची निकालकर भक्तों की अर्जी सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी पहले सिर्फ मध्य प्रदेश के छतरपुर में ही दरबार लगाते थे, लेकिन अब उनके सिद्धि की वजह से देश भर में अलग अलग हिस्सों में उनके धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। बाबा की खासियत यह है कि वह भक्तों का भविष्य और भूतकाल पर्ची के माध्यम से खुद ही लिख देते हैं। उनके इस विद्या को बहुत से लोगों ने आंखों का धोखा और पाखंड भी बताया, लेकिन बाबा को चैलेंज करने वाले खुद उनके भक्त हो गए। टीवी के ऐसे कई बड़े पत्रकार हुए जिन्होंने बाबा को चैलेंज दिया और उनका सच सामने लाने का दावा किया, लेकिन बाद में वह भी सब बाबा की भक्ति में मगन हो गए दोस्तों। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर सरकार के नाम से जाना जाता है और जिनकी देश भर में चर्चा हो रही है, वो मात्र 25 से 26 साल के नौजवान हैं। इतनी कम उम्र में दुनिया की मोह माया को छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गए हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का बचपन काफी अभाव में बीता है। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास अपनी बहन की शादी के लिए पैसे भी नहीं थे। उस वक्त उनके दोस्त ने मिलकर उनका साथ दिया और इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी की बहन की शादी हुई। बहुत ही कम उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने माता पिता का काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया ताकि घर में तंगी का हाल खत्म हो सके। मगर शास्त्री जी ने जो रास्ता चुना वह उनके लिए ईश्वर ने तय किया था। बाबा ने दुनिया की कड़वी बातों को सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए अपनी दिशा नहीं छोड़ी और भगवान की भक्ति में लगे रहे। आखिरकार भगवान ने बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी को वो ज्ञान दिया जिसने उन्हें देश और विदेश में आश्चर्यचकित करके रख दिया है दोस्तों। धीरेन्द्र शास्त्री जी अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। वह खुद को कट्टर सनातनी कहते हैं और देश में घर वापसी और हिंदू राष्ट्र जैसी अवधारणाओं की पैरवी करते हैं। अपने हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर कई बार वो सुर्खियां बटोर चुके हैं, हालांकि वह अपने बयानों से कभी नहीं पलटते और उन्होंने कहा कि उसे स्वीकारते भी हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में भक्तों की पर्चियां खोली जाती हैं। दरबार में आए किसी भी भक्त की पर्ची धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद बनाते हैं और उनके बारे में जो कुछ भी वह बताते हैं वह सब कुछ सच होता है। मगर बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने कि एक अपनी प्रक्रिया है, अभी सभी को उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले तो बागेश्वर धाम की इंटरनेट वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना जरूरी है ताकि दरबार में शामिल हो सके। उसके बाद धाम पर आकर रंगीन कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना होता है। आपको बता दें कि जिस कपड़े में नारियल बांधा जाता है वह सिर्फ 3 रंग का ही हो सकता है। आप लाल, पीले और काले रंग के कपड़े में नारियल को बांध सकते हैं, मगर इन रंगों के भी अपने अपने मतलब है। अगर कोई भक्त लाल रंग में नारियल बांधता है तो इसका मतलब है कि उसकी अर्जी सामान्य है। शादी विवाह जैसी समस्या से जुड़ी अर्जी के लिए पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधना होता है, मगर इन रंगों में भी अपने अपने मतलब हो गए हैं। जैसे कि काले रंग में अगर नारियल बांधा गया है तो उसका मतलब है कि किसी भूत प्रेत की समस्या की अर्जी है। फिर यह नारियल एक एक करके बागेश्वर धाम के कर्ता धर्ता बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी तक पहुंचता है
और जिसकी अर्जी बाबा को मिलती है उसे मंच पर बुलाकर उसके भूत और भविष्य की पर्चियां खोली जाती हैं। अपने वचनों में हर बार हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में बड़े बड़े नेताओं ने भी अपनी पर्चियां खुलवाई हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इलेक्शन की पर्ची भी खोल दी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बता दिया कि आखिर कौन होगा 2024 में देश का प्रधानमंत्री, किसको मिलेगी सत्ता की सीट और किसके हाथ रह जाएंगे खाली। दरअसल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक टीवी न्यूज चैनल ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अपने इस इंटरव्यू में एंकर को उन्होंने उन सभी सवालों के जवाब दिए जिनको लेकर उन पर हमेशा आरोप लगते आए। शास्त्री जी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा हर न्यूज चैनल में हो रही है। शास्त्री जी ने 2024 के इलेक्शन के लिए पर्ची खोली और बता दिया कि देश का अगला प्रधानमंत्री आखिर कौन होगा। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि देश में जो भी कोई अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र को मुमकिन बनाएगा वही देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। यहां आपको साफ तौर पर बता दें कि शास्त्री जी ने किसी व्यक्ति या पार्टी का नाम नहीं लिया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि वह राजनेता नहीं, न कि राजनीति में रुचि रखते हैं, लेकिन देश में हिंदू राष्ट्र बनाने वाले की सरकार साल 2024 में बनेगी। शास्त्री जी ने यह भी कहा कि अगर कोई राजनेता अपनी पर्ची खुलवाना चाहता है तो वह दरबार में अर्जी लगा सकता है। साथ ही शास्त्री जी ये भी कहते नजर आए कि जो लोग हिंदू विरोधी हैं या देश विरोधी हैं उन्हें अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। शास्त्री जी के इन बयानों के बाद अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं तो कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग उनसे ही सवाल कर रहे हैं कि अखंड भारत का मतलब तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाना हुआ, फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के भारत में मिल जाने के बाद तो हिंदू खुद ही देश में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे, फिर अखंड भारत में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना बेवकूफी है। दोस्तों, शास्त्री जी के इन बयानों से कई लोग इस बात को एक पार्टी से जोड़कर देख रहे हैं और शास्त्री जी को उस पार्टी का समर्थक बता रहे हैं। लोगों का विश्वास शास्त्री जी पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि शास्त्री जी इन बातों के सच होने की उम्मीद भी लोग कर रहे हैं। दोस्तों, साल 2024 के इलेक्शन में क्या होगा ये तो आने वाला कल ही बताएगा, लेकिन शास्त्री जी के इन बयानों के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।